हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की से उसका नंबर मांगने के बहुत आसान तरीके जिनका यूज़ करके आप किसी लड़की का नंबर हासिल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखो, ये ना ह्यूमन नेचर होता है कि जब किसी की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है या उसे कोई पसंद करने लगता है तो किसी भी तरीके से उससे बात करने का मन करता है, किसी भी जरिए से उसका कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करने का मन करता है, जिससे दोनों की बातचीत होने लगे या दोनों में जान पहचान हो गई, उनकी बात थोड़ी सी आगे बढ़े। तो आज की इस वीडियो में आपको चार ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिनका यूज़ करने से आप किसी भी लड़की को नंबर देने के लिए मजबूर कर सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं लड़की से उसका नंबर मांगने के बहुत आसान तरीके। तो सबसे पहला तरीका आपको ये अपनाना है कि आपको उस लड़की के सामने नंबर मांगना है, बट डायरेक्ट नहीं मांगना है, आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हो, जो एक कॉमन फ्रेंड हो, जो आपको भी अच्छे से जानता हो और उस लड़की को भी जानता हो। क्योंकि दोस्तों देखो, लड़कियों का ये नेचर होता है कि वो कभी भी अनजान इंसान को नंबर नहीं देती हैं जिसे वो जानती ना हो, जिनसे उनकी जान पहचान ना हो। तो इसीलिए आपको कॉमन फ्रेंड की हेल्प लेनी है, जिसके ज़रिए आप उससे एक दो बार मिलो, उस लड़की से एक दो बार बातचीत करो, तब वो आपको जानने लगे, तो उस दौरान चांस बन सकते हैं कि हाँ भी वो नंबर आपको दे दे। तो पहला तरीका आप ये अपना सकते हो। दूसरा तरीका आपको ये अपनाना है कि आपको एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनानी है, इससे ऐसे हालात बनाने हैं जिससे लड़की को लगे कि हाँ भी आपको नंबर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लड़कियाँ ना दो ही कंडीशन में आपको नंबर देती हैं, पहले कंडीशन में जब वो आपको अच्छी तरह से जानती हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही हो कि अभी इस इंसान को नंबर देने से उसकी हेल्प हो सकती है, उसका फ़ायदा हो सकता है। तो वहाँ पर तो पहली कंडीशन तो आपके साथ है नहीं कि आप उस लड़की को जानते हो, तो आपको दूसरी कंडीशन अपनानी है कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनानी है कि लड़की को लगे कि आपको नंबर देने की ज़रूरत है, या आपको नंबर देने से उसका काम बन सकता है, उसका फ़ायदा हो सकता है, तो ये काम आपको करना है। तो दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको उस लड़की का नंबर चाहिए तो कभी भी उस लड़की के सामने ऐसा जाहिर मत करो कि आपको उसके नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उससे बात करना चाह रहे हो, या आपको आप एक तरह से उसके नंबर के लिए बहुत ज़्यादा उतावला अपन शो कर रहे हो। तो इसीलिए अपने बिहेवियर में ये चीज़ जाहिर मत करो कि आपको उसका नंबर चाहिए। अगर ऐसा शो करोगे तो इसे लड़की को लगेगा कि आप उसके नंबर का मिसयूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक तरह से उसे बार बार डिस्टर्ब कर सकते हो, गलत फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसीलिए लड़की के सामने ना नीडी बिहेव नहीं करना है कि आपको उसे नंबर की ज़रूरत है। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ पर चांस हो सकते हैं कि वो आपको नंबर दे दे, बट इन केस अगर वो ऐसा करने के बाद भी, मतलब कि आपके नॉर्मल बिहेव करने के बाद भी वो आपको नंबर ना दे, तो इन केस में आप ये काम कर सकते हो कि आप उसकी फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी मांग सकते हो। इसके ज़रिए आप कुछ दिनों से चैट करो, जैसे आप दोनों की नॉर्मल बात होने लगे, तो वहाँ पे क्या है, जब थोड़ा बहुत जान लोगे तो आप मौका देख के उसे दोबारा से नंबर के लिए बोल सकते हो कि आपको उसका नंबर की ज़रूरत है। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये बना सकते हो, ये तरीका अपना सकते हो जिससे लड़की आपको अपना नंबर दे। तो अगला तरीका है कि अगर आपको उसका नंबर चाहिए तो आप कोशिश करो कि आप उसका भरोसा जीतो, ठीक है, अपनी बातों से उसका भरोसा जीतने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक लड़की को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप उसका भरोसा नहीं जीतोगे तब तक आप उस लड़की का नंबर नहीं ले सकते हो। हाँ, किसी अदर पर्सन से आप ले सकते हो, बट वो आपको तभी नंबर देगी जब वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।